सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर सुब्रत रॉय का बीती रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की कार्डियो अरेस्ट से जान चली गई है। उन्होंने 10:30 बजे आखिरी सांसें ली। आज उनका पार्थिव शरीर लखनऊ में लाया जाएगा। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई यूपी के गोरखपुर से की थी। बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सुब्रत रॉय ने स्कूटर पर नमकीन बेचने से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद तो वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। साल 1976 में संघर्षरत चिटफंड कंपनी सहारा फाइनेंस का अधिग्रहण करने से पहले उन्होंने गोरखपुर में कारोबार शुरू किया। 1978 तक उन्होंने इसे सहारा इंडिया परिवार में बदल दिया। देश की गलियों गलियों तक उनकी स्कीम मशहूर होती चली गई। लाखों की संख्या में लोग सहारा के साथ जुड़ते चले गए। छोटे दुकानदार रिक्शा चालकों कपड़े धोने वालों और टायर के मरम्मत करने वालों से रोजाना 20 रुपए की छोटी राशि इकट्ठा करता था। ये सब सहारा के मेंबर बनते चले गए। ये वो दौर था जब सुब्रत रॉय सहारा ने हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा। इसके बाद वो एक के बाद एक सेक्टर में उनके पंख फैलते चले गए और वो आसमान की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, इंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक सहारा फैल चुका था। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सहारा का ऊंचा नाम हो रहा था। सहारा इंडिया परिवार को एक वक्त टाइम पत्रिका ने भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसमें करीब 12 लाख कर्मचारी थे। सहारा ने दावा किया कि उसके पास 9 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं। इसके साथ ही सहारा अपनी लाइफस्टाइल लग्जरी के लिए मशहूर होते चले गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनके 4400 करोड़ के 2 आलीशान होटल हैं। मुंबई के एबी वैली में 313 एकड़ का डेवलपमेंट साइट, मुंबई के बरसोवा में 113 करोड़ की जमीन, लखनऊ के गोमती नगर में सुब्रत ने 170 एकड़ जमीन पर अपना पूरा शहर बसा डाला। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके पास 764 एकड़ की जमीन है। लेकिन इसके बाद वक्त ऐसे पलटी मारेगा ये किसी को पता नहीं था। खुद को सहारा श्री कहने वाले सुब्रत रॉय के दिन ऐसे बदले कि उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी। साल 2009 में सहारा ने अपनी 2 कंपनियों का आईपीओ लाने का प्रस्ताव सेबी के सामने रखा। सेबी को सहारा के दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली। सहारा पर आरोप लगे कि उसने कंपनी निवेशकों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। सेबी ने आरोप लगाए कि सहारा ने अपनी दोनों कंपनियों के 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इनकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं थी। उसके बाद पता चला एक कितना बड़ा फ्रॉड था। इसके चलते सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर फरवरी 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद वो पैरोल पर बाहर आए और अब 14 नवंबर यानी मंगलवार रात को उनका निधन हो गया। ऐसे थे सहारा श्री, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मात्र एक स्कूटर से की थी और हवाई जहाज पर जाकर रुकी थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।